मोदी जी ने जो ये बिल लाए वो बिल किसानों के हित में नहीं है। वो व्यापारी है ना, जाएंगे तो मंडी में लगाना पड़ेगा, खुद उसके मन का खरीदता है। अच्छा, यूं 10 व्यापारी रहे तो मनमानी नहीं होगे। अच्छा, हाँ ऐसा है, मंडी में क्या मनमानी नहीं होती। सामने अपने हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि बिल वापस लीजिए, ये हमारा किसान के हित में नहीं है। कोई भी किसान अगर डायरेक्टली कुछ व्यापारी को माल देता है तो उसका क्या रिस्क रहता है कि वो कब तक पैसे उसको उसके अकाउंट में डालता है, या कब उसका चेक, अगर चेक भी देता है तो वो चेक बाउंस हो जाता है तो वो परेशानी में आ जाता है। उसका माल वो व्यापारी लेकर चला जाता है, उसके बाद में उसको वो उसके पैसे तुरंत तो मिलते नहीं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दी कंचाप में और मैं हूँ गरिमा। आज मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आई हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे का जो पूरा देख रहे हैं, मैं मंडी में खड़ी हूँ यहाँ पर, जहाँ पर प्याज और लहसुन को लेकर यहाँ पे खरीदारी और बेचने का काम चल रहा है। यहाँ पर कुछ और भी किसान आए हैं, चूँकि पूरा भारत जानता है कि दिल्ली में दिल्ली तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारे किसान अभी जूझ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जो कानून विधेयक लेकर आए हैं, कृषि कानून विधेयक जो आया है, उससे बात करने के लिए, सरकार से बात करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सारे किसान एकजुट होकर मोदी सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का उनको अभी जो उनकी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश के भी हमारे जो किसान भाई हैं, क्या वो इस तरह के कानून से सहमत है? क्या जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली शहर में आने के लिए किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, क्या वो इससे सहमत है? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। मैं उन लोगों से आपकी बात करवाना चाहूँगी, चूँकि अभी यहाँ पर मेरे बैक साइड में यहाँ पर किसान भाई लोग ही खड़े हैं, जो कि मंडी में आए हैं अपनी उपज को, अपने सामान को यहाँ पर बेचने के लिए, अपनी फसलों को बेचने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर दिल्ली में, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे किसान भाई आके प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 7वां दिन है, तो वो जो प्रदर्शन चल रहा है क्या वो सही है? वो सही है मैडम, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, वो मैडम सत्य है, वो सही है, वो किसान बिल्कुल किसान के हक में है, वो बिल्कुल सही है वो। और जो मोदी सरकार ने कहा है कि वो कृषि मंडियों में सुधार का काम करेगी, आपको क्या लगता है कि मंडियों में कोई सुधार हुआ है अभी तक? अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, किस तरह के आपने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लॉकडाउन के समय में? कुछ मदद आप लोगों को की गई थी या नहीं की गई थी? मंडियों आपका सामान, जो आपके जो अनाज थे वो घरों में ही थे, मंडी तक नहीं आ पा रहे थे, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मैडम अभी तक तो बिल्कुल भी सुधार हुआ नहीं, ना होगा मोदी से। नोटबंदी में बहुत आफत पड़ी किसान को। अच्छा। लाइन में लगे बहुत। हाँ। सारी चीज़ें। अच्छा। इधर से उधर माल ले गए, नीमच मंदसौर से फिर इंदौर लाए, फिर घर ले गए बीकानी। हाँ। बहुत सारी आफत पड़ी वहाँ पे भटका था। अच्छा, आप लोग कहाँ से आते हैं? अगर आपको आपका अनाज अगर बेचना है, मंडियों में लगाना है, तो आपको, आप कितनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ तक आते हैं? आप कहाँ से हैं? हाँ, टिपलिया के पास से, देवगढ़ से आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ से आए हैं। उसके आसपास किसी भी तरह की मंडियां नहीं है? मंडी यही है इंदौर मंडी, बाकी नीमच मंदसौर जी बताइए। जिस मंडी में ज्यादा भाव रहता है ना, वहाँ पे आते किसान। अच्छा, सरकार अभी ये कह रही है कि बीच में मंडियों को हम लोग हटा के आप लोग डायरेक्ट जो बाहर के जो खरीदार है उनको आप सामान बेच सकते हैं, तो इंदौर वाला तो इंदौर का खरीद सकता है, लेकिन अगर बाहर सामान बेचना है तब आप क्या करेंगे? तो मंडी लगेंगे। लेकिन मंडियां तो खत्म करने की बात की जा रही, सुधार की कोई बात नहीं कर रही है सरकार। व्यापारी है ना, जाएंगे तो मंडी में लगाना पड़ेगा, खुद उसके मन का खरीदता है। अच्छा, यूं 10 व्यापारी रहे तो मनमानी नहीं होगे। अच्छा, हाँ ऐसा है, मंडी में क्या मनमानी नहीं होती है? सामने अपने क्या 10 लगेंगे, 10 व्यापारी आएंगे, उसके बाद हिसाब से काम होगा, मनमानी करेंगे। मैडम, मंडी के बाहर वैसे मंडी बाहर बेचने का अनुभव तो होना चाहिए किसानों को, छोटे किसानों को तो कोई अनुभव ही नहीं है, कहाँ बेचे, ना तो उनने दिल्ली देखी ना देहरादून देखा, कहाँ जाके बेचेगा? और बेचेगा तो छोटा किसान है, उसका खर्चे ही नहीं निकलेगा उसमें। जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो वहाँ के किसान भाई हैं, जो इस जो बिल आया है अभी मोदी सरकार की तरफ से, उसको लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो सही है आपकी निगाहों में? बिल्कुल सही है, वो प्रदर्शन किसानों के हित का है, प्रदर्शन है वो। हाँ। मोदी जी ने जो ये बिल लाए वो बिल किसानों के हित में नहीं है वो। अच्छा। हाँ। क्या सुधार चाहते हैं? अब क्या है, वो MSP चला है, वो 12 महीने 8 महीने तो चलना चाहिए, और सभी काम फास्ट हो उसमें, मंडी में तुलाई वगैरह सब जो भी है। हमको टाइम पे हमारा माल नहीं बिका, किसानों को लॉकडाउन में कम भाव में माल गया हमारा, और सरकार ने जो है बिल पास किया है, ये वापस लेना चाहिए सरकार को। जो दिल्ली में चल रही है नहीं किसान आंदोलन, इस पे सरकार को वापस इसको सोच के वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदायक है हमको, किसानों के लिए।
टाइम पे बिकता नहीं। हम 60 किलोमीटर दूर से आए बागली देवास डिस्ट्रिक्ट से, बागली तहसील और बहरी गांव के हरिनारायण जी यादव हूँ मैं। तो ऐसे दूर से आते हैं, 3-3 दिन लग जाते हैं हमको, वापस माल नहीं बिकता टाइम पे, इसलिए ये बिल वापस लेना चाहिए। तो बाहर ऐसा कह रही है सरकार कि आप अपने अनाज को बाहर बेच सकते हैं दूसरे लोगों को, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्या ये सही है? पॉसिबल हो सकता है। किस तरह का सामना करना पड़ेगा अगर आपका सामान बाहर जाके बिकता है अनाज? सरकार को यही व्यवस्था नहीं हो रही है अपने इंदौर जिले में ही, तो वहाँ पे क्या होगी, वो पूरे देश में कैसे जाएगा किसान? यही माल नहीं बिक रही हमारा, 60 किलोमीटर में 3 रोज लग जाते हैं हमको, तो वहाँ कैसे बिकेगा माल हमारा, और क्या व्यवस्था होगी वहाँ पे? यही नहीं हो रही सरकार को, यही व्यवस्था नहीं हो रही सरकार से, तो वहाँ कैसे करेगी? अच्छा, मोदी जी से आप क्या कहना चाहते हैं? हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि बिल वापस लीजिए। हाँ। ये हमारे किसान के हित में नहीं है ये चाहते हैं, और क्या मोदी जी से हम? वो बिल्कुल सही है, कोई भी किसान अगर डायरेक्टली कुछ व्यापारी को माल देता है तो उसका क्या रिस्क रहता है कि वो कब तक पैसे उसको उसके अकाउंट में डालता है, या कब उसका चेक, अगर चेक भी देता है तो वो चेक बाउंस हो जाता है, तो वो परेशानी में आ जाता है, उसका माल वो व्यापारी लेके चला जाता है, उसके बाद में उसको वो उसके पैसे तुरंत तो मिलते नहीं हैं, और वो उसके बाद में जो माल देता है वो मंडी में अगर देता है तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप रहता है या मंडी प्रशासन का रहता है, तो उसमें उसको रिस्क नहीं रहती है। सरकार ने कहा है कि आप अपने अनाज को बाहर ले जाके बेच सकते हैं, लेकिन सरकार ने एक बात और कही थी कि वो मंडियों में सुधार करेगी, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद में पता चला है कि मंडियों में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। हमारे साथ में और भी किसान मौजूद है जो कि मध्य प्रदेश से है, काफी दूर दूर से अपने अनाज को बेचने मंडियों में आते हैं। किस तरह का उन्हें यहाँ पे सामना करना पड़ता है, क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, चाहे ठंड हो या बरसात हो चाहे गर्मी हो, क्या मंडियों में सुधार आया है? हम कुछ बातें सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि मंडियों में सुधार के जो बात आप लोग कर रहे हैं वो किस हद तक सही है, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम बताइएगा। सुनील खमला है। सुनील जी, आप कहाँ से आते हैं यहाँ पे अपने अनाज को बेचने? खमला से। ये कितनी दूर पड़ता है इंदौर से? 80 किलोमीटर। अच्छा, 80 किलोमीटर के दायरे में, उससे पहले दायरे में कोई अनाज मंडी नहीं है? नहीं, अनाज मंडी है, प्याज बेचने आए नहीं। अच्छा, प्याज बेचने आए। अच्छा, अभी सरकार ने कहा है कि आप अपने अनाज को बाहर भी बेच सकते हैं, और जो प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, क्या आप उससे सहमत हैं? वहाँ के जो किसान जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अनाज को लेकर, कि बीच में सरकार का होना ज़रूरी है, बीच की चीज़ों को ख़त्म करना चाह रही है सरकार, और आप अपना सामान जो अनाज है वो बाहर जाके बेच सकते हैं, तो क्या ये जो डिसीज़न आया है ये क्या सही है? जो प्रदर्शन हो रहा है किसानों के द्वारा, क्या वो सही है? वो तो क्या है, मनमानी करेंगे, वो तो ले जाएंगे बाहर, तो भी तो उनको मन लगेगा, वो भाई भाव लेंगे, वो तो क्या वो क्या कर सकते हैं उनका। अच्छा, जो बाहर आप सामान आप अनाज बेचने जाते हैं तो क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है आपको अगर मंडी के बाहर बेचते हैं तो? अच्छा, अब परेशानी आती है ना, वो मनमानी करते हैं उनके, वो तो और बिल बनाने में टाइम लगाते हैं, वो तो मनमानी करते हैं, 2-2, 4-4 घंटे बिठाते हैं, वो तो बहुत सारी परेशानी आती है वो तो। अच्छा, हाँ। अच्छा, लाइन में भी आप लोगों को लगना पड़ता है? कितनी लंबी लाइनें रहती है, कितने कितने दिनों तक आप लोगों को यहाँ पे रहना पड़ता है? 1-2 दिन रहना पड़ता है वो तो। अच्छा, हाँ। और मंडी में किस तरह का सुधार चाहते हैं? सरकार बोल रही है कि मंडियों में सुधार करेंगे, आपको क्या लगता है? आप इतने समय से आप किसान हैं, आप इतने समय से काम कर रहे हैं, अनाज ला के बेच रहे हैं, मंडियों में लगा रहे हैं, आपको लगता है कि मंडियों में सुधार हुआ है? नहीं, हमको कोई लगता नहीं सुधार। पहले बात तो पैसा नकद मिलना चाहिए पहले तो। अच्छा, और ये बना के देते हैं चेक, 4-4 दिन तक पैसे निकालते हैं, पहली बात तो क्या पैसे नकद मिलना चाहिए। अच्छा, पैसे नकद कैसे नहीं मिलते, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं देते, फिर बाद में पैसा कैसे मिलता है आपको? ये केस नहीं करते नहीं, ये पैसे तो केस नहीं करते नहीं। अच्छा, हाँ। तो फिर वो पैसा कैसे पहुंचता है आप लोगों तक? आरटीएस करते हैं वो। अच्छा, आरटीएस करते हैं। और कितने दिनों में आ जाता है वो? 5-5, 6-6 दिन भी लगा देते हैं ना वो तो। अच्छा, 5-6 रोज, 8 रोज भी लगा देते हैं। अच्छा, कैसे नकद नहीं मिल पाते, किसान की मजदूरी समझते नहीं है। तो आपने सुना कि यहाँ पर मंडियों में अपने अनाज को बेचने के लिए इनको लगातार लाइंस में लगना पड़ता है, और काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लोग बाहर के लोग जो आते हैं वो मनमानियाँ करते हैं, किसी भी तरह का यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहता है किसान और ख़रीदार के बीच में। तो सुनते हैं अभी कुछ और लोगों से कि क्या है उन लोगों की राय, जो प्रदर्शन चल रहा है 7वां दिन है आज, आप लोगों को बताना चाहेंगे किसानों का। दिल्ली बॉर्डर तक आते हैं लेकिन उन्हें वापस से लौटा दिया जाता है, बात करने को तैयार नहीं है केंद्र सरकार।